गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। आई एम मिसेस सोनी कालड़ा, योर कंप्यूटर टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 14, नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर ऑन 305। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एडिंग बॉर्डर्स। हाउ कैन यू ऐड बॉर्डर्स इन योर एक्सेल फाइल। हम एक्सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द सेल्स दैट हैव टू बी मॉडिफाइड। आपने उस सेल्स को सेलेक्ट करना है जिसको आप चेंज करना चाहते हो या जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एडजेसेंट टू द बॉर्डर्स कमांड ऑन द होम टैब। आपने क्या करना है, होम टैब के अंदर बॉर्डर्स कमांड पर जाना है, जैसे यहाँ डायग्राम पर नज़र आ रहा है, और उसके साइड पर जो एरो होगा वहाँ पर आपने जाना है। थर्ड, द बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। बॉर्डर की ये पूरी की पूरी आपको लिस्ट क्या आएगी, नज़र आएगी। सेलेक्ट द डिज़ायर्ड बॉर्डर स्टाइल। अलग अलग स्टाइल्स के आइटम्स हैं, आपने इनमें से जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। द ड्रॉ बॉर्डर्स टूल्स एट द बॉटम ऑफ द बॉर्डर ड्रॉपडाउन मेन्यू कैन बी यूज टू ड्रॉ बॉर्डर्स। सबसे लास्ट में आपको ड्रॉ बॉर्डर दिख रहा है, ये पेंसिल में आइकन बना हुआ है, ये ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन है आपके पास। आपने यहाँ पर जाना है एंड चेंज द लाइन स्टाइल एंड कलर ऑफ बॉर्डर। आप इसके अंदर जाकर लाइन के स्टाइल को और बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हो। नोट, यू कैन आल्सो ऐड बॉर्डर टू द सेल्स रेंज ऑफ सेल्स बाय सेलेक्टिंग द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन इन द फॉन्ट ग्रुप। आप क्या कर सकते हो, सेल के अंदर बॉर्डर लगा सकते हो या बहुत सारे सेल्स रेंज पर आप बॉर्डर लगा सकते हो। कैसे, डायरेक्ट आप फॉन्ट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जा सकते हो। ये एरो जो आपके पास बना हुआ है, मैं हमेशा आपको ड्रॉ करके और लिख कर भी बताती हूँ। आपके पास क्या होता है, एक बॉक्स होता है, साइड पर एक एरो गिवन होता है, ये बिल्कुल ग्रुप के आगे होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन। यहाँ पर आपने क्लिक करना है फॉन्ट ग्रुप के अंदर और वहाँ से भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है रैप टेक्स। रैप टेक्स का मतलब होता है एक सेल के अंदर लिखे हुए टेक्स को एडजस्ट करना, रैप करना, लपेटना या उसी के अंदर फिट करना। रैपिंग टेक्स मीन्स डिस्प्लेइंग मल्टीपल लाइन्स विद इन द सेल। रैपिंग टेक्स का मतलब होता है एक ही सेल के अंदर बहुत सारी लाइन को दिखाना। अब यहाँ पर अपने डायग्राम पर नोट कीजिए, ये एक सेल था, इसके अंदर जो टेक्स लिखा वो इसको क्रॉस कर गया, बाहर तक लिखा गया, बाहर तक लिखा गया। आप क्या करते हैं, या तो सेल के साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पर क्लिक करके। आप कब तक इंक्रीज़ करते रहेंगे, मान लो एक ही सेल में डाटा बहुत बड़ा है, बाकियों में सब में छोटा है, तो कितना अजीब लगेगा, ये बहुत बड़ा सेल और छोटा सा कंटेंट। आप क्या कर सकते हैं, इस टेक्स को ही एडजस्ट कर दोगे, इसी के अंदर फिट, साइज सेम रहेगा और टेक्स इसके अंदर फिट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। क्लियर है। द रैप टेक्स फीचर इन एक्सेल कैन हेल्प यू डिस्प्ले लॉन्ग टेक्स इन अ सिंगल सेल। रैप टेक्स फीचर एक्सेल के अंदर आपकी हेल्प करता है कि आप लॉन्ग टेक्स को, लंबे लंबे टेक्स को एक सिंगल सेल के अंदर दिखा सकते हो विदाउट ओवरफ्लोइंग इट टू द अदर सेल, और वो दूसरे सेल पर फ्लो नहीं होता, दूसरे सेल को क्रॉस नहीं करता, वो उसी के अंदर एडजस्ट हो जाता है। When text exceeds a column width, जब कभी भी आपका text बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, वो क्या करता है, column की width को cross कर जाता है। It is possible to wrap the text either manually or automatically। यहाँ पर possible है कि आप खुद ही उसको manually fit कर सकते हो। manually कैसे करोगे, आप उसके size को छोटा कर दो, या automatically भी वो fit हो सकता है। In order to wrap a lengthy text in Excel, you can click on the wrap text button on the home tab of Excel 2010। अगर आपको टेक्स्ट को फिट करना है, लेंथी टेक्स्ट को फिट करना है, होम टैब के अंदर आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन गिवन है, आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है, आपका जो टेक्स्ट है उस सेल के अंदर फिट हो जाएगा। बाय यूजिंग दिस द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन मल्टीपल लाइंस विद इन द सेल। अगर आप इसको यूज़ करते हो रैप टेक्स्ट को, तो आपके जो टेक्स्ट है वो बहुत सारी लाइन के लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, पहले एक सिंगल लाइन में था, अब वो थ्री लाइन में कन्वर्ट हो गया और एक ही सेल के अंदर फिट हो जाएगा। इफ रैप टेक्स्ट इज सेलेक्टेड, अगर रैप टेक्स्ट होगा तभी ये ऑप्शन आपको मिलेगा। एक्सेल कंटिन्यू टू यूज़ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट स्पेसिफाइड फॉर द सेलेक्टेड सेल। अगर आपका मान लो टेक्स्ट बहुत ही लंबा है, तो एक्सेल क्या कर देता है, सेल के अंदर लाइक ये आपका है सेल और बहुत सारी लाइन्स है, नीचे भी जा रही जो आपको दिख नहीं रही, एक्सेल क्या कर देता है, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार, इधर से भी स्क्रॉल बार दे देता है, इधर से भी स्क्रॉल बार आपको उसी सेल के अंदर अलाउ करवा देता है, मिल जाता है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। नेक्स्ट पेज पर आपको स्टेप्स बता रखे हैं किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट सेलेक्ट द सेल्स हैविंग द टेक्स्ट विच हैज़ टू बी रैप्ड। उस टेक्स्ट सेल को सेलेक्ट करो जिसको भी आप, जिसके टेक्स्ट को आप रैप करना चाहते हो।
क्लिक ऑन द रेपटेक्स बटन ऑन द होम टैब इन द अलाइनमेंट ग्रुप। आपने होम टैब के अंदर रेपटेक्स बटन पर जाना है। एक्सेल 2010 ऑटोमेटिकली एक्सपेंड द रो हाइट इन ऑर्डर टू फिट मोर देन वन लाइन इन अ सेल। एक्सेल 2010 क्या कर देता है, जितना भी टेक्स्ट है उसको एक ही सेल के अंदर फिट करने के लिए नंबर ऑफ लाइन को अलाउ कर देता है। दिस मेक्स ऑल द रैप टेक्स्ट एंट्रीज विजिबल। ये क्या कर देता है, जितनी भी लाइन होगी वो आपको एक ही सेल के अंदर नजर आए, इस तरीके से इसको लायक बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग कॉलम विड्थ। ये तो था कि आप टेक्स्ट को ही फिट कर देते हो सेल में। अब मान लो कि आपको सेल के कॉलम को चेंज करना पड़ जाए, कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ जाए, तो आप कैसे करोगे? बहुत ही ईजी है, पहले डायरेक्टली मैं आपको समझा देती हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, इस सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करना है। ये किस सेल से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है, तो बी के आगे क्या है, सी। यानी बी और सी को जोड़ने वाली जो लाइन है यहाँ पर, आपने यहाँ पर माउस को लेके जाना है। जैसे ही आप माउस को लेके जाओगे, माउस है वो ऐसे एरो में चेंज हो जाएगा। जैसे ही एरो में चेंज हो जाएगा, माउस के बटन को दबा कर रखो और जितना इसको आगे तक ले जाना चाहते हो उतना ले जाओ। तो बी का जो कॉलम है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, वो फिट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके कॉलम के साइज़ को बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप, मान लो आपको रो के साइज़ को इंक्रीज़ करना, रो नंबर 2 के साइज़ को इंक्रीज़ करना है, तो 2 और 3 के जो बीच में लाइन है, 2 और 3 के जो बीच में लाइन है, वहां पर माउस को लेके जाओ, माउस का साइज ऐसे एरो में चेंज हो जाएगा। फिर जैसे ही चेंज हो जाएगा, माउस के बटन को दबा कर रखो, नीचे तक लेके जाओ, तो आपके रो का साइज इंक्रीज हो जाएगा। पहले मान लो ऐसे था, बाद में ऐसे हो जाएगा, क्लियर है? तो आपके रो का भी साइज ऐसे चेंज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। द माउस पॉइंटर हैज़ टू बी पोजिशन ओवर द कॉलम लाइन इन द कॉलम हेडिंग सो दैट द वाइट क्रॉस बिकम्स अ डबल एरो। वो कह रहा है माउस के पॉइंटर को कॉलम की लाइन के जॉइंटिंग लाइन, जो कॉलम हेडिंग जो जुड़ रही है, वहाँ पर लेके जाओ और माउस का एरो इस एरो में चेंज हो जाएगा। क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द कॉलम टू द राइट विल इंक्रीज कॉलम विड्थ। माउस के बटन को दबा कर रखो, राइट साइड लेके जाओगे तो कॉलम की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसे लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो कॉलम की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, द कॉलम विड्थ विल बी चेंज वंस द माउस इज रिलीज। जैसे ही आप माउस के बटन को छोड़ दोगे, राइट साइड लेके गए तो इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट साइड लेके गए तो डिक्रीज हो जाएगा। द हैज साइंस, ये हैज के जो साइन है, इन अ सेल इंडिकेट दैट द कॉलम इज नॉट वाइड एनएफ टू डिस्प्ले द सेल कंटेंट। कई बार क्या होता है, आप टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, और वो टेक्स्ट पूरा नहीं आता, उसकी जगह हैश हैश सिंबल आ जाता है। तो हैश का जो साइन है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, कि ये कॉलम की जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि वो इसके कंटेंट को दिखा सके। बाय इंक्रीजिंग द कॉलम विड्थ वन कैन सी द सेल कंटेंट। अगर आप सेल के कंटेंट को इंक्रीज कर देते हो, अब इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे हैश हैश नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सेल इतना छोटा है कि वो इसके कंटेंट को दिखा नहीं सकता। जब हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, देखो इतना बड़ा कर दिया, जैसे ही बड़ा कर दिया, इसके कंटेंट आपको नज़र आ गया इस तरीके से नज़र आ जाएगा। ठीक है, टू सेट कॉलम विड्थ विद स्पेसिफिक मेजरमेंट। अगर आपको पॉइंट पता है कि हाँ मुझे इतने ही पॉइंट तक बढ़ाना है, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम किसको साइज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट द कॉलम्स दैट हैव टू बी मॉडिफाइड। उस कॉलम को सेलेक्ट करो जिसको आपने चेंज करना है। नाउ क्लिक ऑन द फॉर्मेट कमांड ऑन द होम टैब। होम टैब के अंदर आप फॉर्मेट कमांड पे जाएंगे, फॉर्मेट की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास बटन गिवन है, बॉक्स गिवन है, जहाँ पर आप इसके विड्थ के पॉइंट्स को लिखोगे। ठीक है, लिखने के बाद आपने क्या कर देना, ओके। वंस ओके बटन इज क्लिक, द विड्थ ऑफ ईच सिलेक्टेड कॉलम विल चेंज। जितने भी कॉलम आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, सभी का साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेलेक्ट ऑटो फिट कॉलम विड्थ फ्रॉम द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू। वहीं पर एक आपके पास ऑप्शन होता है ऑटो फिट कॉलम। देखो ये कॉलम विड्थ आपने लिया था, इसी लिस्ट में चलेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑटो फिट कॉलम इसी के नीचे। इससे क्या होगा, एक्सेल टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट ईच सिलेक्टेड कॉलम इन सच ए मैनर दैट ऑल द टेक्स्ट डाटा इन ए सेल विल फिट प्रॉपरली। अगर आप इसको सिलेक्टेड कर लेते हैं, तो एक्सेल क्या कर देगा, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेल के साइज को फिट कर देगा, ताकि आपका जो टेक्स्ट है उस कॉलम पे अच्छे से आपको नज़र आए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।